चैनल मैं आईटी आज आपको बताने वाला हूँ एक एमआईएस रिपोर्ट्स कंपोनेंट के बारे में जो है कॉल डिस्कनेक्शन। दोस्तों कॉल डिस्कनेक्शन के भी प्रकार होते हैं और इस पे भी रिपोर्ट बनाई जाती है जो एमआईएस में यूज होती है। दोस्तों किसी भी ऑफिस से कॉल सेंटर में ये डिस्कनेक्शन निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आज बताता हूँ। दोस्तों कॉल डिस्कनेक्शन के दो प्रकार होते हैं। एक कॉल डिस्कनेक्ट वो होती है जो कस्टमर खुद से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आप समझ रहे हैं कि अगर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से अगर बात कर रहा है कोई कस्टमर, ठीक है, तो उसने बात करते करते खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, वो कॉल डिस्कनेक्शन है बाय कस्टमर। ऐसे ही जब सपोज जब कंप्लीट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में जो कॉल डिस्कनेक्ट कस्टमर नहीं करता है तो हमारे एडवाइजर्स जो हैं, हमारे एजेंट्स जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कस्टमर से प्रॉपर बात करके कि आपकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो। लेकिन वो जो कॉल डिस्कनेक्ट कहलाती है वो एजेंट के द्वारा कॉल डिस्कनेक्ट होती है, तो वो एजेंट के सीडीआर पे आती है, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको डिस्कनेक्शन के बारे में। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जिससे अब मैं आपको एमआईएस और डब्ल्यूएम से रिलेटेड वीडियो आपको देता हूँ तो आपको मिलती रहेंगे। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे कहा है, कई मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज सर ये जो टेक्स्ट फाइल है, जो एक्सेल की फाइल है, वो प्रैक्टिस के लिए फिर हमें दे दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम करके सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मैं फाइल आपको दे दूंगा तो उतनी बेहतर प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, क्योंकि करके सीखने से ज्यादा लर्न हो पाता है, ठीक है, थैंक यू। तो चलते हैं कॉल डिस्कनेक्शन पे। देखिए दोस्तों आपको पता है कि जब कोई भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करता है, जैसे सपोज अगर हम किसी सैमसंग की कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कोई हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं। जब बात करते हैं तो आईवीआर पे जाते हैं कॉल पहले, फिर उसके बाद कुछ बटन प्रेस हमें करने होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसको प्रेस करके हम कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर पाते हैं। जब बात कर पाते हैं उसी दौरान हमारी जो कॉल डिस्कनेक्ट किसने की है वहां से ये कॉल डिस्कनेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको चलता हूं लेके आगे। देखिए दोस्तों कॉल डिस्कनेक्शन मीन कस्टमर डिस्कनेक्शन या एजेंट डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। द कॉल्स विच वर डिस्कनेक्टेड बाय कस्टमर साइड व्हाइल टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव कम्स अंडर कस्टमर डिस्कनेक्शन। यानी कि जो कॉल कस्टमर के द्वारा कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते समय डिस्कनेक्ट की गई है वो कस्टमर डिस्कनेक्शन के अंडर में फॉल होती है, ठीक है दोस्तों। जो कॉल्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते समय कस्टमर के द्वारा डिस्कनेक्ट की गई है वो कॉल कॉल डिस्कनेक्शन बाय कस्टमर कहलाती है, ठीक है। सेम इसी तरह से एजेंट डिस्कनेक्शन मतलब कि एजेंट की कॉल डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो द कॉल्स विच हैज बीन डिस्कनेक्टेड बाय कॉल्स विच हैव बीन डिस्कनेक्टेड बाय कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन काउंटेड इन एजेंट डिस्कनेक्शन के लिए। इट मीन्स कि जो कॉल रिकॉल विच हैज बीन डिस्कनेक्टेड बाय कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन। अब एक्स वाई जी रीजन क्या है, जैसे कि सपोज कस्टमर की क्वेरी कंप्लीट हो गई, रिजोल्यूशन मिल गया, उसके बाद भी कस्टमर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को एक स्क्रिप्ट बताई जाती है। जैसे कि अगर कंप्लीट क्वेरी हो जाने के बाद में एक स्क्रिप्ट भी होती है, डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, सर अब आपकी कंप्लीट हो गई है क्वेरी तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उस दौरान अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसने फोन रख दिया है पर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो उस दौरान वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, वो एजेंट डिस्कनेक्शन के अंडर में आती है। या फिर गलती से कहीं जैसे सॉफ्ट फोन होते हैं या अवाया फोन होता है, गलती से कहीं पे क्लिक हो गया जिसके कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है, तो वो भी एजेंट डिस्कनेक्शन की कैटेगरी में आती है दोस्तों, ठीक है।
तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे बीपीओ होते हैं, जो कॉल सेंटर होते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे इनबॉर्न वॉइस का प्रोसेस होता है जिसमें कॉल्स आती हैं कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव के पास। दूसरा आउटबॉर्न का प्रोसेस होता है जहां पे कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को एक्सेस करता है, ठीक है, कॉल करता है, वो कॉल करता है, जानकारी देता है, तो वो आउटबॉर्न कॉल सेंटर होंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही बैकएंड में होता है, बैकएंड भी एक सेंटर होता है, बैकएंड भी एक प्रोसेस होता है, बैकएंड होता है, ईमेल एंड चैट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस कॉल सेंटर में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनबाउंड में कैसे कॉल डिस्कनेक्शन का परसेंटेज निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे डेट फर्स्ट जैन, सेकेंड जैन, थर्ड जैन, फोर्थ जैन, फिफ्थ जैन, टोटल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्कनेक्टेड कॉल्स, ठीक है, डिस्कनेक्शन कॉल। यहाँ पे आंसर्ड कॉल जो आंसर की गई है टोटल, यहाँ पे मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल आंसर्ड कॉल से, जितनी कॉल्स को आंसर्ड किया गया। दोस्तों आंसर्ड कॉल और कॉल ऑफर कॉल अलग अलग होता है। ऑफर कॉल मतलब सपोज 100 कॉल आई कस्टमर की साइड से, लेकिन मेरे एडवाइजर कम थे, ज्यादा थे, जैसे थे, तो उन्होंने सिर्फ 100 में से मान लो 98 कॉल्स ही आंसर किए, तो वो मेरी आंसर कॉल कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल डिस्कनेक्शन परसेंटेज। अब इसको परसेंट के साइन में बना लेते हैं, यहां से ये क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों, इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहां से यहां पे कॉपी करके ड्रैग कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं इस डे फर्स्ट की जो कॉल डिस्कनेक्शन थी, सॉरी डे फर्स्ट की कॉल डिस्कनेक्शन आपकी 9.8%, 10.4%, 13% यहाँ पे बढ़ा है कॉल डिस्कनेक्शन। तो एक एनालिसिस भी किए जाते हैं कॉल डिस्कनेक्शन पे, कि सपोज कहीं पे अगर कॉल डिस्कनेक्शन पे एनालिसिस किए जाते हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए कॉल डिस्कनेक्ट हो रही, कोई टाइटी प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, अलग अलग डिस्कनेक्शन के एनालिसिस होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 थी, 10 हो गई, 13 हो गई, मतलब कॉल डिस्कनेक्शन बढ़ा है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे फॉल हुआ है, कॉल डिस्कनेक्शन डिक्रीज हुआ है, फिर अगेन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये एनालिसिस भी हमें करने होते हैं टाइम्स टू टाइम, ये देखना पड़ता है टाइम टू टाइम कि कैसे हमें एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये था, मान लीजिए ये पूरे महीने का 1 to 5 का है, 1 to 5 वन वीक का है, फर्स्ट वीक का। तो इसका अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मैं पूरे महीने का ओवरऑल परसेंटेज क्या चला है वो भी निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सेम नीचे भी सम कर दीजिए। तो देखिए ओवरऑल परसेंटेज जो एमटीडी है, मतलब पूरे मंथ का जो पूरे वीक का जो परसेंटेज है वो 7.9% है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो जो इसका एवरेज है वो 7.9 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम इनबाउंड प्रोसेस में निकालते हैं, इनबाउंड प्रोसेस में डिस्कनेक्शन परसेंटेज कैसे, डिस्कनेक्टेड कॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल आंसर्ड कॉल, इज कॉल्ड डिस्कनेक्शन कॉल, डिस्कनेक्शन परसेंटेज, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको आउटबाउंड के बारे में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रहा आउटबाउंड वॉइस के लिए भी मैंने एक आपको टेबल बनाई है, इसमें भी सेम फिगर्स जैसे डेट लिखा है, ठीक है, ये है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेट, यहाँ पे एजेंट डिस्कनेक्टेड है ना, एजेंट की कॉल डिस्कनेक्शन है, ये कस्टमर डिस्कनेक्टेड मतलब कस्टमर की कॉल डिस्कनेक्शन है, कस्टमर ने कितना डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये एजेंट की डिस्कनेक्शन है और ये कस्टमर की डिस्कनेक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 112 और 123, 135 हो गई, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब दोस्तों आउटबाउंड में डिस्कनेक्शन निकालने का अलग तरीका होता है, इनबाउंड में अलग होता है। इनबाउंड में मैंने आपको बताया कि जितने भी डिस्कनेक्शन होता है उसको हम आंसर कॉल से डिवाइड कर देते हैं, जबकि अगर हम आउटबाउंड में एजेंट डिस्कनेक्शन निकालेंगे या कस्टमर डिस्कनेक्शन निकालेंगे इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो सपोज अगर हम एजेंट डिस्कनेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम कस्टमर का डिस्कनेक्शन तो निकालेंगे नहीं आउटबाउंड में, क्योंकि कॉल
हमारा रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता है कस्टमर को, ठीक है, तो एजेंट ने कितना कॉल डिस्कनेक्ट किया खुद से वो हम निकालते हैं, ठीक है, तो हमारी टोटल कॉल एजेंट डिस्कनेक्शन कितनी है 12 आउट ऑफ 135, ठीक है। अब यहां पे हम आंसर कॉल से नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम टोटल डिस्कनेक्शन से, चाहे वो एजेंट ने डिस्कनेक्ट किया है या वो कस्टमर ने डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे तो सॉरी दोस्तों, यहां पे हम एजेंट ने कितनी कॉल डिस्कनेक्ट की और कस्टमर कितनी, मतलब टोटल डायल कॉल कितनी है, डायल तो यही होंगी ना, जो कॉल डायल की गई है वही डिस्कनेक्ट हो गया एजेंट से या फिर कस्टमर से, तो यहाँ पे हम टोटल डिस्कनेक्शन कॉल निकालेंगे एजेंट के द्वारा और कस्टमर के द्वारा, और उन टोटल कॉल्स से ही डिवाइड करेंगे एजेंट डिस्कनेक्टेड कॉल्स को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने द कॉल्स विच हैज बीन डिस्कनेक्टेड बाय एजेंट्स इज डिवाइडेड बाय टोटल डायल कॉल, टोटल डायल एजेंट डिस्कनेक्शन एंड कॉल डिस्कनेक्शन, ठीक है। अब इसको ही हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए डिप का फॉर्मूला रहा है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे भी हम सम ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो कॉल डिस्कनेक्शन है उससे 1% है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आउटबाउंड का कॉल डिस्कनेक्शन निकालने का तरीका, ठीक है, और ये था इनबाउंड का कॉल डिस्कनेक्शन निकालने का तरीका, ठीक है, जो मैंने आपको अलग अलग बताया। डेफिनेशन कोई पूछता है तो आप डेफिनेशन इस तरह से बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट में लिखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, फिर मिलेंगे।